बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या बात है बहुत अच्छे बहुत खूब नमस्कार बहुत खूब भाई क्या बात है जब मैं आपसे मिलता हूं और आप मुझसे मिलते हो तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे को कहते हैं बहुत खूब और कहना भी चाहिए क्यों ना कहें जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजों का प्रयोग होना चाहिए लेकिन चीजें कई बार इस तरह से हो जाती हैं कि जो दिखती हैं वो नहीं होती मसलन दो दोस्त थे एक बार जंगल में घूमने के लिए चले गए जब वहीं रात हो गई तो टेंट लगा के सो गए और अचानक दो में से एक की आंख खुली तो एकदम ऊपर आसमान नजर आ रहा था जब सोए थे तब टेंट था और ऊपर आसमान नजर आया एकदम आसमान नजर आया तो सोए हुए दोस्त ने पास वाले दोस्त को जगाया ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है दोनों थे बड़े पढ़े लिखे थे तो वो कहने लगा कि देखो अगर मैं खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस दुनिया में कितने अरब तारे हैं कितने ग्रह हैं कितने उपग्रह हैं और अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से देखूं तो मुझे लगता है कि जो ग्रहों की स्थिति है ये कहीं पर बाढ़ ला सकती है अगर मैं मनोविज्ञान की दृष्टि से देखूं तो सोचता हूं कि मैं कितना अकेला हूं और अगर मैं आध्यात्म की दृष्टि से देखूं तो मुझे ये लगता है ये महसूस होता है कि इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं लेकिन खुद का साथ खुद ही को निभाना है दूसरे को ने कहा कि तुझे ये महसूस नहीं होता कि हमारा टेंट किसी ने चुरा लिया है तो जिंदगी में आपको सही जगह सही चीज महसूस होनी चाहिए तभी आप कह पाएंगे बहुत खूब तो भाई वो लोग जिन्हें चीजें महसूस करने का बड़ा शौक है वो महसूस करते भी हैं बहुत सारे लोग होते हैं चीजें महसूस तो करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन हमारे मित्र चीजें महसूस करते हैं उन्हें व्यक्त करते हैं और पूरी दबंगई के साथ व्यक्त करते हैं और व्यक्त करके कहते हैं कि भाई जो हम कहते हैं वो बड़ी कमाल की बात है क्योंकि उसका नाम है कविता और कविता बात ही कुछ इस तरह से करती है कि लोग कहते हैं कि भाई बात हो तो इस तरह से हो तो इस तरह से उस तरह की बात करने वाले ये किस तरह के लोग हैं आइए मुलाकात करते हैं इनसे सबसे पहले मंच के इन कोने पे जो बैठी हुई इनका नाम सुनैना त्रिपाठी है सुनैना त्रिपाठी इलाहाबाद में रहती हैं ये लखनऊ की रहने वाली हैं इन दिनों इलाहाबाद में रहती हैं बहुत अच्छी कविताएं करती हैं बहुत अच्छे सुर में कहती हैं और पहली बार टेलीविजन पर किसी कार्यक्रम में कविता पढ़ रही है इससे बेहतर क्या बात हो सकती है सुनैना त्रिपाठी हमारे और सुनैना त्रिपाठी के बाद वेदव्रत और वेदव्रत वैसे एक विद्यालय लखनऊ में चलाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं और कविताएं पढ़ते हैं और देश की अव्यवस्थाओं के खिलाफ आग उगलते हुए पढ़ते हैं वेदव्रत वाजपेयी और वेदव्रत वाजपेयी के पास जो है ना तो वो आग उगल सकता है ना आग देख सकता है उसे तो बेचारे को चीजें निगलने में भी दिक्कत होती है उगलेगा क्या जिस दिन जोर से कुछ उगलने की कोशिश कर दी तो हो सकता है फेफड़े बाहर आ जाए प्राणवाण भी उगल सकता है क्योंकि आप वजन देखिए माशाल्लाह कुछ कुल मिला के 32-33 किलो के ये हैं और उसमें भी 32-33 किलो में भी इनका ये 1.5 किलो की जो दाढ़ी है सर्वेश अस्थाना इनका नाम होता है बड़े मस्त आदमी है बड़े बड़े अनूठे विषयों पर कविता लिखते हैं तो आइए हम जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना के लिए तो चलिए महफिल की शुरुआत जो शमा रोशन की जाती है हम करते हैं और सबसे पहले हम चाहते हैं कि सर्वेश अस्थाना जी आए और हमें कुछ ऐसा सुनाए कि हम कहें भाई वाह बहुत खूब सर्वेश अस्थाना मैं दो तीन शेर अर्ज करना चाहता हूँ लखनऊ का हुजूर जी मैं दो तीन शेर कहता हूँ कि कैसे डूबू आंख में तेरी हाँ कैसे डूबू आंख में तेरी आंखों में से पानी गायब अच्छा क्या बात है कैसे डूबू आंख में तेरी आंखों में से पानी गायब और राजा राजा मुझको कहती कहाँ है रानी रानी गायब बहुत अच्छे कैसे डूबू आंख में तेरी आंखों में से पानी गायब राजा राजा मुझको कहती कहाँ है रानी रानी गायब और एक प्रेमिका को ढूंढा था उसकी नानी को फुसलाकर एक प्रेमिका को ढूंढा था उसकी नानी को फुसलाकर और 15 दिन में मुझे लूट कर लैला छोड़ो नानी गायब 15 दिन में मुझे लूट कर लैला छोड़ो नानी गायब और जाने कितने बन बैठे हैं शेर अर्ज करता हूं कि जाने कितने बन बैठे हैं तुलसी सूरा और कबीर आहा, आहा। जाने कितने बन बैठे हैं तुलसी सूरा और कबीर
कविताएं तो कुंटल भर हैं, लेकिन उनमें मानी गायब। क्या बात है, वाह वाह। कविताएं तो कुंटल भर हैं, लेकिन उनमें मानी गायब। और मिनी मिनी स्कर्ट चल रही, हाय हाय, मिनी मिनी स्कर्ट चल रही बालाओं के तन ढकने को। बहुत अच्छे। मिनी मिनी स्कर्ट चल रही बालाओं के तन ढकने को, घर की बेटी के आंचल से आज चुनरिया धानी गायब। क्या बात है, बहुत चुनरिया धानी गायब। और एक व्यंग रचना पढ़ता हूँ। जी, जी, अभी जी। कुछ दिन पहले चुनाव संपन्न हुए हैं जी, 3-4 राज्यों में। आप देखिए एक चुनाव कार्यालय का दृश्य आपके सामने, पूरी मस्ती का व्यंग कि चुनाव कार्यालय के बाहर लगी थी लंबी लाइन, चुनाव कार्यालय के बाहर लगी थी लंबी लाइन, मैंने गिना संख्या थी 4329। लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लाइन में लगा था एक गंजा, वेद जी ध्यान दीजिएगा, लाइन में लगा था एक गंजा, चाहता था चुनाव चिन्ह पंजा। अच्छा, चाहता था चुनाव चिन्ह पंजा। मैं आपको बताऊं, इसमें दो शब्द आएंगे, पंजा और पंजे से बड़ा एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं छक्का। अच्छा। उस छक्के के श्लेष, हाँ, जो ताश में होता है पंजा और छक्का। जी, तो, जी, और जी। उस छक्के के और अर्थ भी ले सकते जी, ले सकते जी। लाइन में लगा था एक गंजा, हाँ। चाहता था चुनाव चिन्ह पंजा, मैंने कहा महोदय गजब ढा रहे हैं, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह अपना बता रहे हैं। इस पर वो बोला, मैं चाहता तो हूँ चुनाव चिन्ह पंजा, पर हाथ का नहीं चिड़ी का। अच्छा, चिड़ी का। मैं चाहता तो हूँ पंजा, पर हाथ का नहीं चिड़ी का। और पंक्तियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा शैलेश जी, चाहता तो हूँ पंजा, हाथ का नहीं चिड़ी का, देखना जिस दिन चिड़ी का पंजा सत्ता में आ जाएगा, सारा मुल्क एक बार फिर चिड़ी का गुलाम बन जाएगा। सारा मुल्क एक बार फिर चिड़ी का गुलाम बन जाएगा। लाइन में एक आदमी सो रहा था, लाइन में एक आदमी सो रहा था, शायद अपने मंत्री बनने के सपने बो रहा था। लाइन में एक आदमी सो रहा था, शायद अपने मंत्री बनने के सपने बो रहा था। मैंने उसे हिलाया, मैंने उसे जगाया, मैंने कहा महोदय आप सो रहे हैं, अपना मंत्री बनने का अवसर खो रहे हैं, अपना चुनाव चिन्ह पाने का अवसर खो रहे हैं। इस पर वो बोला, अस्थाना जी मैं सो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी स्टाइल यूनिवर्सल है। अच्छा, मैं सो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी स्टाइल यूनिवर्सल है, वास्तव में जीतने के बाद मुझे क्या करना है, ये उस बात का रिहर्सल है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर्वेश, बहुत अच्छा। वास्तव में जीतने के बाद मुझे क्या करना है, ये उस बात का रिहर्सल है। लाइन में लगे थे एक मिस्टर अर्ध नारी नर। ओहो, लाइन में लगे थे एक मिस्टर अर्ध नारी नर, बोले मेरा भी है चुनाव लड़ने का पक्का इरादा, चाहता तो हूँ चुनाव चिन्ह, पर पंजे से एक पॉइंट ज्यादा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। व्यंग की विशेष पंक्तियां अर्पित करता हूँ, चाहता तो हूँ चुनाव चिन्ह, पर पंजे से एक पॉइंट ज्यादा। तो मैंने कहा मत घबराइए, तो मैंने कहा मत घबराइए, अपना चुनाव चिन्ह नेता बनाइए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हमने कहा पंजे से एक ज्यादा, नेता बनाइए, बहुत अच्छे। हमने कहा मत घबराइए, अपना चुनाव चिन्ह नेता बनाइए। वैसे भी आजकल हमारे देश में नेताओं की संख्या सर्वाधिक है। वाह, क्या बात है। पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहता हूं सभी दर्शकों का। वैसे मैं जानता हूं कि हमारे देश में नेताओं की संख्या सर्वाधिक है, और अगर गहन दृष्टि से देखा जाए तो अधिकांश नेता पंजे से एक पॉइंट अधिक है। क्या बात है, वाह वाह वाह, पंजे से एक पॉइंट अधिक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी आपने पंजे से एक पॉइंट अधिक की कविता सुनी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने सुना, ये होती है व्यंग की भाषा। हास्य बिल्कुल बल्ब की तरह जला, लेकिन व्यंग थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह देर से जलता है लेकिन दूर तक जलता है। और व्यंग जब जाके इस देश की अव्यवस्था के खिलाफ इस तरह की करुणा पे खत्म होता है, तब मुझे लगता है कि कविता सार्थक हो गई। मुझे सिर्फ मेरी एक ही पंक्ति याद आती है कि जब से हंसी बेचने का शुरू किया है सिलसिला। वाह, जब से हंसी बेचने का शुरू किया है सिलसिला, आंसुओं को बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब इस तरह कविताओं की पंक्तियों में व्यंग करुणा तक पहुंचेगा, तब आप कहेंगे कि भाई बहुत खूब, हम ऐसी बहुत सारी कविताएं आपको सुनाएंगे और आप उनको सुनकर कहेंगे भाई शैले जी मजा आ गया, सारे मजे हम लेंगे। लेकिन ब्रेक से वापस लौट के आने के बाद बस मेरा इंतजार करते रहिए, मैं यूं गया यूं आया, तब तक कहते रहिए बहुत खूब।
फिर से आपके साथ, आपके पास, आपके बीच में, आपको सुनाने के लिए ढेर सारी कविताएं और आपसे यह कहलवाने के लिए कि भाई बहुत खूब, तो अब किसकी बारी है? सर्वेश अस्थाना ने अपनी व्यंग कविता हमें सुनाई, बड़ा मजा आया। नानी भी गायब करती और बहुत सारी चीजें उन्होंने की, लेकिन जिंदगी में जो चीज इन दोनों गायब होती जा रही है वो है मोहब्बत, प्रेम। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में मोहब्बत और प्रेम की कविताएं करने वाली, उन पे गीत कहने वाली, उनके गजल कहने वाली एक कवित्री हमारे बीच में है जो बड़ी दूर से आई है, इलाहाबाद से इस कार्यक्रम में वो शरीक होती हैं। बचपन में उस जमाने में एक फिल्म आई थी सुनैना, तब पता नहीं था कि सुनैना का अर्थ क्या होता है। पूछा, मालूम चला कि सुनैना का अर्थ क्या होता है, तब अर्थ ही पता चला। आज सुनैना को देखा तो पता चला कि सुनैना का अर्थ क्या होता है। ये होती है सुनैना त्रिपाठी। आइए हम स्वागत करते हैं सुनैना त्रिपाठी। चार पंक्तियां भेंट करती हूँ, निवेदित करती हूँ जी। स्वागत है। मिलते ही आपसे मुस्कुराती हूँ मैं। हाय हाय, क्या बात है। मिलते ही आपसे मुस्कुराती हूँ मैं, सारे जीवन का गम भूल जाती हूँ मैं, सारे जीवन का गम भूल जाती हूँ मैं कभी भी कोई गीत लिखती नहीं। अच्छा। मैं कभी भी कोई गीत लिखती नहीं, आपके रूप को गुनगुना गुनगुनाती हूँ मैं, गुनगुनाती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गजल के कुछ शेर आप सबके समक्ष हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। लड़कपन के जमाने की मोहब्बत याद आती है। क्या बात है, लड़कपन के जमाने की, भाई वाह। लड़कपन के जमाने की मोहब्बत याद आती है, मोहब्बत याद आती है। लड़कपन के जमाने की मोहब्बत याद आती है, कयामत है अभी तक वो कयामत याद आती है। कयामत है अभी तक वो कयामत याद आती है, याद आती है। और ये शेर सुनिएगा। हमें तो याद है भौरे के पीछे दौड़ना अपना, भौरे के पीछे दौड़ना, भाई नया प्रयोग है। तो याद है, क्या बात है, भौरे के पीछे दौड़ना अपना, तुम्हें तितली पकड़ लेने की आदत याद आती है। और ये शेर मेरे ख्याल से सभी की जिंदगी में जरूर आया होगा, सुनिएगा। जी जी। बहुत दिन पहले भीगे थे कभी बारिश में हम दोनों, अरे बहुत दिन पहले भीगे थे कभी बारिश में हम दोनों, मगर बरसात में अब तक वो हालत याद आती है। बरसात में अब तक वो हालत याद आती है, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, न जाने क्यों तेरी, न जाने क्यों तेरी पहले सी सूरत याद आती है, सूरत याद आती है। और गजल का आखिरी शेर सुनिएगा। अचानक जिंदगानी में मिली थी जो मुकद्दर से, अचानक जिंदगानी में मिली थी जो उस मुकद्दर से, अचानक जिंदगानी में मिली थी जो मुकद्दर से, सुनैना आज तक, सुनैना आज तक मुझको वो चाहत याद आती है, मुझको
वो चाहती याद आती है लड़कपन के जमाने की मोहब्बत अचानक मिल गई वो चाहत याद आती है। इसी बहर पे मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग जैसे हम जैसे लोग कहें तो क्या कहेंगे कि हमेशा बंद मेरे लिए तेरे घर की फाटक याद आती है, हमेशा बंद मेरे लिए तेरे घर की फाटक याद आती है और की जब जब कूदने की कोशिश तेरे बाप की झापट याद आती है। जिंदगी के अंदर हमारे लिए तो यही यादें बची है लेकिन आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ यादें हैं और इन यादों को अभी आप और संजोएंगे जब हम आएंगे और आपको और कविताएं सुनाएंगे। तब तक सुनैना के लिए कहते रहिए बहुत खूब। लौट आए हम, अगर नहीं लौटते तो जाते कहां? आपकी मोहब्बतों को छोड़ के कहीं जाया जा सकता है? वैसे इस देश के हालात भी ऐसे हैं कि कहीं नहीं जाया जा सकता लेकिन कम से कम इस देश के दर्द को गाया तो जा सकता है। और हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जो देश के दर्द को अपने अंदाज से गाता है, नाम है उनका वेद व्रत वाजपेयी। तो आइए वेद व्रत वाजपेयी और सुनाइए हमें अपनी कविता। अभी सुनैना जी ने बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत सुनाए जी। मैं श्रृंगार लिखता तो हूँ लेकिन मैं उसे पढ़ता नहीं हूँ जी। और उसे इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं इनसे सबसे बड़ा हूँ, मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जी। और देश का जो मौसम है उस पर दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ जी कि अमर तिरंगा लहराएगा दुनिया भर में शान से। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि अमर तिरंगा लहराएगा दुनिया भर में शान से, अमर तिरंगा लहराएगा दुनिया भर में शान से। मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है मेरे हिंदुस्तान से, मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है मेरे हिंदुस्तान से, मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है मेरे हिंदुस्तान से। और देश के हालात का वर्णन करना चाहता हूँ, सुनिएगा जी। कि पहले से ही घाव बहुत हैं भारत माँ के आंचल पर, पहले से ही घाव बहुत हैं भारत माँ के आंचल पर, दुनिया नजर गड़ाए माँ की चूड़ी चूनर काजल पर, दुनिया नजर गड़ाए माँ की चूड़ी चूनर काजल पर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोलाहल कोलाहल है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोलाहल कोलाहल है, पी न सकेंगे नीलकंठ भी इतना यहाँ हलाहल है। देश चलाने वाले तो केवल सरकार चलाते हैं, देश चलाने वाले तो केवल सरकार चलाते हैं। चीन के सैनिक सीमा रेखा के भीतर घुसाते हैं। और देश के हालात कैसे हो गए उस पर दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ, सुनिएगा आप सब लोग। कि सोने की चिड़िया गिरवी है जाने कितने देशों में, कि सोने की चिड़िया गिरवी है जाने कितने देशों में, सोने की चिड़िया गिरवी है जाने कितने देशों में। दुनिया भर के हित होते हैं भारत के आदेशों में, दुनिया भर के हित होते हैं भारत के आदेशों में। बूंद बूंद पानी को अब भी हिंदुस्तान तरसता है, बूंद बूंद पानी को अब भी हिंदुस्तान तरसता है। पेप्सी कोला गांव गली गलियों में खूब बरसता है, पेप्सी कोला गांव गली गलियों में खूब बरसता है। भूखे सो जाते हैं बच्चे अभी देश के ग्रामों में, भूखे सो जाते हैं बच्चे अभी देश के ग्रामों में। गेहूं सड़ जाता है लेकिन सरकारी गोदामों में, गेहूं सड़ जाता है लेकिन सरकारी गोदामों में, गेहूं सड़ जाता है लेकिन सरकारी गोदामों में। कोटा परमिट में घपलों के मंत्र सिखाए जाते हैं, कोटा परमिट में घपलों के मंत्र सिखाए जाते हैं। तोप दलाली खाने के षड्यंत्र रचाए जाते हैं, तोप दलाली खाने के षड्यंत्र रचाए जाते हैं। खेल खेल में घोटालों की हर हद तक जा सकते हैं, खेल खेल में घोटालों की हर हद तक जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के खेल में हम सब स्वर्ण पदक पा सकते हैं, हर पूजा छोटी है भारत माता के गुणगान से। मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है मेरे हिंदुस्तान से, मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है मेरे हिंदुस्तान, क्या बात है, जय भारत, जय भारत।
भारत माता वंदे माता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप इज्जत वाजपेयी बहुत अच्छे। मंदिर मस्जिद बड़े नहीं है मेरे हिंदुस्तान, और सचमुच इस देश की माटी से बड़ा कुछ नहीं है। इस देश की माटी पे हमें पैदा होने का सौभाग्य मिला, हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि भारत हिंदुस्तान इस मुल्क से बड़ा कुछ नहीं होता। यही एक मुल्क है जहाँ शायद कविता, हिंदी कविता की संस्कृति बसती। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कविता और मुशायरे की जो संस्कृति है वो दुनिया के इसी भूमंडल में है, इसी भूभाग में, और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हम इस संस्कृति को पालते हैं। यही देश है जहाँ सारी सारी रात कविताएं सुनी जाती है, यही देश है जहाँ लोग बहुत खूब सुन के कहते हैं कि भाई वाह क्या कार्यक्रम है, यही वो देश है जहाँ ढेर सारे चैनल्स कैसे ही प्रोग्राम दिखाते हो, लेकिन हम दिखाते हैं वो प्रोग्राम जो भारत की संस्कृति से जुड़ा है, हमारी भाषा से जुड़ा है, हमारी जड़ों में जो बसता है, हमारी हिंदुस्तानियत को जो जिंदा रखता है। और यही हमारा वादा है, यही हमारा प्रण है, और यही हमारा विश्वास है कि हम इसी तरह हमारे देश की थाती को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम कविताएं लिखते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, आप सुन के उन्हें गुनगुनाते रहेंगे, और गुनगुनाने के बाद तालियां बजाते रहेंगे, और तालियां बजा के कहते रहेंगे बहुत खूब।